24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास बड़ी खबरों से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 5 करोड़ रुपए की कीमत की 5 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम सहित 4 अंतर्जनपदीय मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार। जिला शाहजहांपुर के एसआरएंड पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले क्रियाशील एवं चिन्हित किए गए अपराधियों, वांछित एवं वारंटी अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में संजीव कुमार वाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं पंकज पंत क्षेत्र अधिकारी पवाया जनपद शाहजहांपुर के पर्यवेक्षण में थाना बंडा पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। आज दिनांक 19/9/2022 की प्रातः थाना बंडा को मुखबिर खास के द्वारा सूचना मिली कि बरेली जनपद के 4 व्यक्ति सुनाशीनाथ मंदिर गौशाला के पास भारी मात्रा में अफीम लिए खड़े हैं, जो सुनाशीनाथ गुरुद्वारा मेले में बिक्री की गई है। बिक्री की तैयारी में है, यदि जल्द ही की जाए तो पकड़े जा सकते हैं। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बंडा मनोज कुमार के नेतृत्व में थाना बंडा पुलिस के द्वारा मुखबिर की निशानदेही पर उक्त गौशाला के पास से अभियुक्त गढ़ कमल हसन को 2 किलो अफीम, मीर हसन को 1 किलो अफीम, सब्बू को 1 किलो अफीम, हरद्वारी को 1 किलोग्राम, कुल 5 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा 4 अभियुक्तों के कब्जे से 5 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। इस संबंध में थाना बंडा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए अजय त्रिवेदी की रिपोर्ट। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर निरंतर चल रही कार्रवाई के क्रम में थाना बंडा को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इनके द्वारा एक अंतर जनपदीय मादक पदार्थों के तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल मिलाकर 5 किलोग्राम अफीम बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये है। ये अफीम झारखंड से लाई गई बताई गई और अभी तक उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। ये चारों तस्कर जनपद बरेली के रहने वाले थाना फरीदपुर के, जिनके नाम कमल, मीर हसन, शब्बू और हरद्वारी हैं। इनमें से कुछ लोगों के पूर्व इतिहास भी हैं, आपराधिक इतिहास है। इसी सिलसिले में इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। इसका एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बंडा में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।